दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के चलते टैक्सी ऑटो के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है। आज दिल्ली सरकार ने अपना आर्थिक बजट का रोना रोते हुए बहुत सी चीजें खोल दी है, तो क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऑटो रिक्शा वाले टैक्सी वालों की कोई और बजट है? हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के जो प्रवक्ता है परिवहन क्षेत्र को देखते राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महासचिव है, उनसे जानेंगे कि ये क्या करने जा रही है सरकार और आपके लिए क्या क्या घोषणा की और क्या विफलता रही है। देखो सबसे पहले तो मैं भारतीय मजदूर संघ के नाते से एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दिल्ली सरकार विफल हो गई है, हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट निजी परिवहन उद्योग हो जिसमें ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, आरटीपी वाले हैं, ग्रामीण सेवा, ये सरकार पूरी तरह विफल हुई है। कल सीएम केजरीवाल अपना रोना रो रहे हैं, भाई मेरे को आर्थिक व्यवस्था के खराब दिल्ली सरकार को नुकसान हो रहा है, अपना रोना तो रो लिया दिल्ली सरकार ने, मगर जो निजी परिवहन उद्योग है ट्रांसपोर्ट उसके लिए कोई इन्होंने चर्चा नहीं करी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, जो केजरीवाल जी ने जो रात की घोषणा करी थी भाई 5,000 रुपए की, ये सिर्फ इनका एक दिखावा था, असली चेहरा सामने आ गया और सौतेला व्यवहार करा इन्होंने। और दूसरी बात यह है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने मांग करी थी भारत सरकार से भाई पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को जितने भी परमिट फीसें हैं, क्या नाम है, फिटनेस वगैरह, वो 30 जून तक वो क्या नाम है वॉलंटियर वगैरह निलंबित है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवहन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, गडकरी साहब को, उन्होंने ये हमारी मांग के ऊपर ये करा। अब आती है बात दूसरी की, क्या नाम है, जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है बहुत बड़ा उद्योग है भारत के अंदर, सबसे बड़ा महकमा, मगर केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए था भाई इनके लिए भी मैं कुछ करूं, आरटीपी वाले हैं, काली पीली टैक्सी वाले, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, मगर इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। आज हमारे दबाव के ऊपर भारतीय मजदूर संघ देश की सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नाते से आज केजरीवाल जी को मुझे जो लग रहा आसार, जो मुझे उम्मीद जो आ रही है वो ये आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो 5,000 रुपए वाली स्कीम थी, अब ये जिसके पास गाड़ियों की आरसी होगी उसको देने जा रही है ये, और ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर सामने आया हुआ है। 2 महीने होने को आ रहे हैं लॉकडाउन को, जब जरूरत आज थी इनको टैक्सी वालों ऑटो वालों को, जब मदद पूरी नहीं कर पाए, 2-2 महीने तक ये बगना इनकी गाड़ियां चक्के जाम हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? और मैं एक लास्ट में ये भी बात कह देता हूँ, केजरीवाल जी आप देखो इस मुसीबत के अंदर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम देश के साथ खड़े हैं, ये कोरोना जो बीमारी आई है हम कंधे से कंधा, हमारे लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने आपका साथ दिया है, आप जितने भी रोड टैक्स हैं, परमिट फीस हैं, फिटनेस हैं, फिटनेस की प्लंटियां वगैरह सबकी माफ करो, क्योंकि हम लोग भी तो इस देश के अंदर रह रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है केजरीवाल जी का वो मुझे लगता है, और मजदूरों के ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ, भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था, आदरणीय क्या नाम है होम मिनिस्टर साहब, क्या नाम, अमित शाह जी और गडकरी साहब और मोदी जी को, जितने भी पूरे देश भर के अंदर मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, मगर उनका ध्यान रखा जाए, जाता वो अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए इनकी, भाई घर इनको पहुंचाया जाए। दिल्ली के अंदर ये सरकार दिल्ली की मजदूरों का ध्यान रखने में विफल साबित हुई है, 30-40% आपने भी देखा होगा आनंद विहार पे क्या जाना बसें चलाई, चलो दिल्ली खाली करो, दिल्ली खाली करो, भागो यहां से भागो, ये फेलियर सामने आया केजरीवाल जी का मजदूरों को। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जब तो बहुत बढ़िया तो मैं मजदूर लगते थे है, आज तुमने दिल्ली से उनको कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, और आप दावा ठोक रहे हो मैं 4 लाख आदमियों को खाना खिला रहा हूँ, फिर 6 लाख लोगों का, फिर उसके बाद क्या नाम है 9 लाख लोगों का, फिर उसके बाद ये कहते हो राशन मैं दूंगा सब गरीब आदमियों को मजदूरों को, आपने राशन कार्ड इम्प्लीमेंट कर दिया, अरे आपने देना तो योगी की तरह दो ना, ऐसे योगी काम कर रहा है लोगों को के लिए, राशन कार्ड का क्या मतलब है, गरीब तबके के लोग हैं जो बेचारे को ओटीपी नंबर नहीं देखना आता, आप अपना ये कहते हो जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पूरी तरह सरकार विफल हो गई है मजदूरों के मामले में। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो आज ये मुश्किल का टाइम था इनका पूरी दिल्ली के अंदर मजदूरों का, मजदूरों को फैक्ट्री मालिक थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चली, इनको इनका इंतजाम करवाना चाहिए था सरकार को, वो उसमें नहीं करवा पाई है, आज ये स्थिति हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है घर जाने के लिए, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, जितने भी मजदूर हैं दिल्ली के अंदर हम लोग काम कर रहे थे भारतीय मजदूर संघ के नाते से, उनको क्या नाम है राशन, कच्चा राशन पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाने के बाद उनको खाना खाने पीने की व्यवस्था करी जा रही है, जो मीडियम क्लास का आदमी है दिल्ली के अंदर, मीडियम क्लास का जैसे अब और लोग है, मगर केजरीवाल जी उनके लिए भी तो ध्यान रखो ना, कम से कम उनके लिए भी कोई ऐसी योजना बनाओ, आप टैक्स तो लिए जा रहे हो थोड़ा सा, आज आपको नुकसान पड़ गया दिल्ली के अंदर, आज वकालत कर रहे हो आप, लॉकडाउन खोल दूंगा मेरी सरकार घाटे में जा रही है, मैं सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, मगर मीडियम क्लास का भी सोचो आप, मीडियम क्लास के बारे में क्या सोचा, आज ये कहता हूँ मैं पूरी दिल्ली को लॉकडाउन खोल दूंगा, जब तुम घाटे में जा रहे हो, पहले कहते थे लॉकडाउन लगाओ लॉकडाउन लगाओ,
आज तुम घाटे के अंदर जा रहे हो, मगर ये सारे विषय ऐसे हैं, सरकार को चाहिए मीडियम क्लास के लिए भी देखें और गरीब जो तबके के मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका भी ध्यान रखें, और जो सबसे बड़ा उद्योग है हमारा निजी ट्रांसपोर्ट उद्योग, इसके बारे में भी जो मैंने बातें कही हैं वो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और हम नहीं चाहते कोई मतलब टकराव हो हमारा दिल्ली सरकार से, ये मुसीबत आई है कोरोना मुसीबत के लिए पूरा देश खड़ा है और केजरीवाल जी के साथ इस बीमारी को लेकर हम खड़े हैं साथ। बस धन्यवाद। एक इसमें एक बात और है सुनील जी, अभी बहुत सी गाड़ियों के लाख लाख रुपए के चलान आ गए कैमरे के, उस बारे में दिल्ली सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ऐसी मेरे को भी सूचना मिली है, क्या नाम है, ये चलान बहुत आ गए, एक एक गाड़ी के जैसे एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे वो चलान आ गए, 20 आ गए, किसी के 50 आ गए। केजरीवाल जी को मैं निवेदन ये करना चाहती हूँ, सारे चलान माफ कर दो, और ये माफ कौन से करो, आज से 6 महीने पहले से और अब तक, और जितनी भी परमिट फीसें हैं, रोड टैक्स है और या लाइसेंस रिन्यू होते हैं, इनकी पलंटियां माफ करो। देखा दोस्तों, आज जो समस्या थी आपने देखा कि जो चलान गाड़ियों के हो रहे थे, गाड़ियों पर खड़े दिक्कत धूल जम गई है, इन सबको देखते हुए टैक्सी चालक के जो महासचिव थे उन्होंने बताया, आगे की जो भी रणनीति हुई कार्रवाई आपको अवगत कराते रहेंगे। व्हाइट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री।